अपने किसी करीबी रिश्तेदार या दोस्त का खोना बहुत पेनफुल होता है। इस सदमे को तो कई बार इंसान आसानी से बर्दाश्त कर पाता ही नहीं है। हर कोई चाहता है कि वह जिससे प्यार करे वो हमेशा उसके पास ही रहे। ऐसे में जब किसी करीबी की मौत हो जाती है तो व्यक्ति उसे बहुत ही ज्यादा याद करता है और उससे बात करना भी चाहता है। इंसान की इसी इच्छा को पूरा करने के लिए जापान में एक अजीबोगरीब टेलीफोन बूथ मौजूद है जो मरे हुए इंसान से बातचीत करवाने के लिए मशहूर है। जापान के ऑप्टिसियम टाउन में मौजूद इस सफेद रंग का टेलीफोन बूथ को साल 2010 में बनाया गया था जब इस गांव में रहने वाले इतारू सास्की के एक कजन की मौत हो गई थी किसी हादसे से। हादसे के बाद वह अपने मरे हुए कजन को बहुत याद करते थे, इसीलिए उन्होंने सोचा कि हवा के माध्यम से उनसे बात क्यों ना की जाए। इसके बाद उन्होंने एक सफेद रंग का टेलीफोन बूथ बनाया और वहां पे रखी डायरी पे अपने कजन के लिए एक मैसेज लिखा ताकि वो हवा के जरिए उस तक पहुंच सके। आपको बता दें कि टेलीफोन की तार किसी बिजली या खंबे से कनेक्ट नहीं है, इसके बाद भी इस फोन को यूज करने वाले लोगों को इसमें से अजीबोगरीब आवाज सुनाई देती है। आपको बता दें कि गांव में अभी तक 25,000 से भी ज्यादा लोगों ने हवा फोन का इस्तेमाल करके अपने मरे हुए परिजनों और दोस्तों तक मैसेज पहुंचा चुके हैं। दोस्तों, ऐसी अमेजिंग वीडियो के लिए बने रही हमारे इसी चैनल पे। अगर वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें।